इंस्टॉल करने हैं। व्हाट्सएप को कैसे इंस्टॉल किया जाता है तो चलिए आज सीखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा गूगल प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर मेरा यहाँ है, मैं यहाँ जाता हूँ। दोस्तों व्हाट्सएप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका कि आप उसे उसके ओरिजिनल फाइल से इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपने ओरिजिनल फाइल डाउनलोड करके कहीं अपने मेमोरी कार्ड में पहले से रखा है तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने गूगल प्ले खोला है और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ व्हाट्सएप। देखिए व्हाट्सएप मैंने सर्च किया है और यहाँ पे आ जाएगा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मैसेंजर आ गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, मोर इन्फॉर्मेशन और इंस्टॉल। तो मुझे इंस्टॉल करना है तो मैं इंस्टॉल करूँगा। मोर इन्फॉर्मेशन में इसके बारे में यहाँ से कुछ और ज़्यादा जानकारी बताएगा। फ़िलहाल मुझे केवल इंस्टॉल करना है तो मैं आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ। दोस्तों मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन ये जल्द ही हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा डाउनलोडिंग शुरू हो गया है, बस डाउनलोडिंग कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आप नीचे देख सकते हैं इस ऐप के बारे में, इस ऐप की फुल डिटेल, जैसे कि इस ऐप की रेटिंग क्या है। तो जैसे इस ऐप की रेटिंग 4.4 है और इतने यूजर्स ने इसे डाउनलोड किया है। यहाँ से आप इसके सिमिलर ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है दोस्तों। तो यहाँ से आप इसे ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा काफ़ी वक्त चला जाएगा। मैं आपको दूसरा तरह से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। जैसे कि पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा है व्हाट्सएप को अपने मेमोरी कार्ड में, तो मैं यहाँ से आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। वहाँ से जैसे कि मैंने बताया आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर पहले से है और आप अपना MB बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो आप जहाँ पे है वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैंने पहले से रखा है, देखिए व्हाट्सएप यहाँ पे है और यहाँ से मैं इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ से करके दिखाता हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करते जाना है। मैं इंस्टॉल करना है तो यहाँ से ये इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ समय लेता है दोस्तों, कुछ समय के बाद ये बना इंस्टॉल हो जाएगा, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए बस ये थोड़ा सा समय लेता है डिवाइस। अगर आपका फ़ोन अच्छे क्वालिटी का है, अच्छे कंपनी का है, तो आपके फ़ोन का रैम अगर अच्छा है तो ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मेरे फ़ोन का रैम ज़्यादा नहीं है इसीलिए ये थोड़ा समय ले रहा है। दोस्तों व्हाट्सएप आप किसी भी ऐप को, किसी भी एंड्रॉयड की किसी भी एप्लीकेशन को आप दोनों तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप किसी से जेंडर या किसी शेयर के थ्रू पहले से कोई एप्लीकेशन को ले रखा है और आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल प्ले पर जाके वहां से उसे सर्च करके उसके बाद उसे इंस्टॉल का ऑप्शन में इंस्टॉल का कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जैसा कि ये ऐप मेरा इंस्टॉल हो गया है, अब यहाँ से मैं डन करता हूँ या ओपन भी कर सकता हूँ डायरेक्ट। अगर डन करता हूँ तो फिर मुझे मेन्यू बार में जाके ओपन करना होगा और यहीं से मैं ओपन भी कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने यहीं से ओपन किया है, बस ये ओपन हो रहा है। तो दोस्तों ये व्हाट्सएप है, मुझे यहाँ पर पहले अपना नंबर, जो जिस नंबर से मैं व्हाट्सएप यूज़ करना चाहता हूँ, उसे वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों मैंने वेरीफाई के लिए नंबर डाल दिया है और ये कनेक्टिंग ले रहा है। बस दोस्तों ये थोड़ा समय लेता है और वेरीफाई के लिए ये मेरे इस नंबर पे एक मैसेज भेजेगा और मैसेज आते ही ये ऑटोमेटिक ले भी लेगा, तो उसके लिए आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। बस ये ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ये खुद से ले लेगा, ये खुद से हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो
नंबर आपने डाला है वो इसी मोबाइल में लगा हुआ है या नहीं। अगर नहीं भी लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसमें इस तरह की फैसिलिटी की है। अगर ये नंबर आपका किसी और मोबाइल पे भी लगा हुआ है तो आप उस पर जीएसएम कोड देख के यहाँ पे डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इसी में लगा हुआ है तो ये खुद से ले लेगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसा कि मेरे पास मैं बता रहा है कि यहाँ पे बैकअप है, अगर मैं चाहता हूँ तो जो बैकअप है उसे अपने ले सकता हूँ वरना स्किप कर सकता हूँ, तो मैं स्किप कर देता हूँ। मुझे पुराने मैसेज दोबारा रिस्टोर नहीं करना है तो इसीलिए मैंने स्किप कर दिया है। ये देखिए मेरा नाम और मेरा प्रोफाइल यहाँ पे आ जा रहा है, तो अब यहाँ से भी मैं आगे नेक्स्ट कर देता हूँ। और दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, ये अपना फाइनली जो होता है फाइनल स्टेज जो होता है उसे कंप्लीट कर रहा है इंस्टॉलिंग का। और अब ये मेरा चैटिंग वाला ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ के बाद डायरेक्ट मेरा चैटिंग का ऑप्शन खुलेगा, तुरंत चैटिंग का ऑप्शन खुलेगा और फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बस दोस्तों ये भी हो ही गया है, बस ये थोड़ा समय लेता है, फाइनल स्टेप है यहाँ पर, थोड़ा सा समय लेता है। देखिए दोस्तों मेरा ये हो गया, मेरे जितने भी ग्रुप है वहाँ पर ये सारे आ गए हैं, और बाकी यहाँ पे मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो अब मैं किसी को भी चाहूँ मैं मैसेज कर सकता हूँ बिना किसी कोई दिक्कत का। देखिए दोस्तों मैं किसी को भी चाहूँ कोई भी मैसेज लिख सकता हूँ, भेज सकता हूँ। ये इंस्टॉल हो गया, धन्यवाद दोस्तों।